हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू अफेयर टीवी। ये कहानी 1987 की है। एडेल जो कि खूबसूरत सिंगल मदर है, अपने बेटे हेनरी के साथ इस घर में रहती है। हेनरी महज 13 साल का है। ऐसा नहीं है कि एडेल के हस्बैंड की डेथ हो गई है, पर उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है। इसकी वजह है एडेल का पास्ट में मिसकैरेज होना। दरअसल सालों पहले एडेल ने जब हेनरी को जन्म दे दिया था, तब इस कपल की ख्वाहिश थी कि इन्हें एक बेबी गर्ल हो। इसके लिए एडेल ने कई प्रयास किए। उसका पहला मिसकैरेज हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और बाद में जब चौथी बेटी हुई तब वो भी मरी हुई पैदा हुई। एडेल ये सब देखकर काफ़ी डिप्रेस हुई और इसके बाद एडेल के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया। आज एडेल इस घर में अपने 13 साल के बेटे हेनरी के साथ रहती है। हेनरी हमसे बात करता हुआ कहता है कि वो अपने माँ की हालत देख नहीं पाता। वो कहता है कि वो काफ़ी अकेली और सुनसान सी ज़िंदगी जी रही है। हेनरी कहता है कि एक बेटा होने के साथ साथ वो हस्बैंड होने का फ़र्ज भी निभाता है। एडेल की हर तरह से देखरेख करता है, उनका मसाज करता है, उनके साथ डांस करता है, मिलकर खाना बनाता है और फिर ये साथ में खाना खाते हैं। पर हेनरी एक हस्बैंड का सुख एडेल को नहीं दे सकता, इस बात को वो महसूस करता है। आज दोनों यहाँ पास के मॉल में शॉपिंग करने आए हैं। हेनरी जब यह एक अश्लील मैगजीन को देखता है तो उसे देखने के बाद उसके मन में लालसा जगती है कि वो इस मैगजीन को ख़रीद ले, पर वो एडेल को देखकर ये इरादा बदल देता है। इतने में हेनरी के पास एक शख्स आता है। इसका नाम फ्रैंक है। फ्रैंक एक क्रिमिनल है। फिलहाल वो एक हॉस्पिटल के विंडो से कूद कर भागा है। उसने पास्ट में कोई क्राइम किया था, बाद में उसे पुलिस ने पकड़ा। उसके पेट पर चोट के निशान हैं, इस वजह से उसे हॉस्पिटल में डाला गया था। पर चूंकि वो यहाँ से भाग आया है, अब वो अपनी सेफ्टी चाहता है। इस तरह वो एडेल और हेनरी इन दोनों को ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि अगर इन्होंने उसे शरण नहीं दी तब वो इन दोनों को मार देगा। मजबूरन एडेल और हेनरी फ्रैंक को अपने घर लाते हैं। फ्रैंक यहाँ एडेल को कुर्सियों से बांध देता है। जब भी कोई पड़ोसी आता है, हेनरी को झूठ बोलना पड़ता है कि घर में कोई नहीं है। इन सब में धीरे धीरे फ्रैंक ने यहाँ पर रहना शुरू किया है। उसके बारे में मीडिया में खबरें फैल रही हैं कि एक क्रिमिनल भागा हुआ है और इसी एरिया में है। फ्रैंक के पोस्टर्स गली गली में छपे हुए हैं। फ्रैंक के ऊपर $10,000 का इनाम भी है। पर इधर फ्रैंक है जो कि अब एडेल और हेनरी के साथ मिलकर इस घर की देखरेख करता है। ये तीनों मिलकर लजानिया बनाते हैं, बड़े चाव से इसे खाते हैं। हेनरी जब दूसरी तरफ बैठा है तब फ्रैंक एडेल के अंगों को स्पर्श करता है। एडेल जो कि इतने सालों से अकेली है, उसे इतने सालों से संभोग का सुख नहीं मिला, वो भी अब फ्रैंक के साथ गपागप करना चाहती है। इसके बाद एडेल और फ्रैंक यहाँ आपस में गपागप करते हैं। इनकी आवाज़ें जब हेनरी अपने कमरे में लेटा सुन रहा है तब उसके मन में भी लालसा जगती है। अगली बार जब वो मॉल में है तब वो यहाँ एक खूबसूरत टीनेजर लड़की को देखता है। इसका नाम एलनोर है। हेनरी जैसे ही उसके पास गया वो लड़की उससे दूर चली गई। अगली बार वो उसे एक लाइब्रेरी में बैठा हुआ पाता है। दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं। इस तरह इन दोनों की दोस्ती हो गई है। दोनों साथ में वॉक करते हैं। इधर फ्रैंक और एडेल अक्सर साथ में गपागप करते रहते हैं। अब इन दोनों ने हस्बैंड वाइफ की तरह रहना शुरू कर दिया है। एक बार पड़ोस की नेबर अपने हैंडीकैप बच्चे को यहाँ छोड़ गई है। फ्रैंक अपने आप को उस बच्चे के सामने जाहिर कर देता है। ये चारों मिलकर साथ में बेसबॉल खेलते हैं। एडेल को फ्रैंक बेसबॉल खेलना सिखाता है। हेनरी नोटिस कर रहा है कि एडेल अब फ्रैंक से कितनी क्लोज हो गई है। कई बार उसे डर लगता है कि एडेल कहीं उसे छोड़ ही ना दे। कुछ समय के बाद फ्रैंक एडेल से कहता है कि अब इन्हें कनाडा भाग जाना चाहिए, वैसे भी यहाँ रहना सेफ नहीं है। एडेल ने इस बात को कबूल कर लिया है। वो हेनरी से कहती है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हेनरी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। वो जब एलनोर से मिलता है तब इस बारे में बताता है। एलनोर हेनरी को किस करते हुए कहती है कि वो नहीं चाहती कि हेनरी उसे छोड़ कर जाए। हेनरी यहाँ फ्रैंक के बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब फ्रैंक एक नॉर्मल इंसान था। वियतनाम वॉर के बाद वो वापस लौटा था। उससे मैंडी नाम की लड़की से प्यार हुआ। उसने शादी के लिए प्रपोज किया और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ सालों के बाद मैंडी को एक बच्चा हुआ। एक साल तक तो सब कुछ नॉर्मल था, पर इसके बाद फ्रैंक ने मैंडी पर सवाल उठाए। उसे शक था कि ये बच्चा उसका नहीं है। वो मैंडी के साथ एग्रेसिव हुआ और फिर इन सब में उसने मैंडी को पुश कर दिया। मैंडी फर्श पर गिरी और फिर उसकी जान निकल गई। इसी गुनाह के सिलसिले में पुलिस ने फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया। फ्रैंक का बच्चा भी डूब कर मर गया, पर समहाउ फ्रैंक ने अपने आप को बचा लिया और अब भाग कर हेनरी और एडेल के घर पहुंचा है। एलनोर हेनरी से कह रही है कि उसे अपने फ्यूचर का सोचना चाहिए। हो सकता है कि कनाडा जाने के बाद भी उसकी मदर और फ्रैंक मिलकर उसे डिस्कार्ड कर दें।
ये सारी बातें सुनकर अब हेनरी घर लौटा है। वो अपनी मदर से कहता है कि कहीं एडल उसे छोड़ने तो नहीं वाली। एडल यह इमोशनल होते हुए अपने बेटे को गले से लगाती है। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी हेनरी को नहीं छोड़ेगी। अब इन्होंने भागने की तैयारी कर ली है। अगली सुबह ये कनाडा भाग जाएंगे। पर हेनरी इन सब में बड़ा कन्फ्यूज़ है। वो एक नोट लिखता है और इस खत को अपने फादर के घर के आगे पोस्ट कर देता है। जब वो घर की तरफ आ रहा है तब पुलिस वाला हेनरी को देखता है। वो उसे ज़बरदस्ती लिफ्ट ऑफर करता है। पुलिस वाला हेनरी को जब उसे घर पर ड्रॉप करता है तब देखता है कि एडल डरी हुई है। एडल के पीछे कार है जिसमें कि सामान पैक्ड है। पुलिस वाला पूछता है कि आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? इस समय फ्रैंक घर के ऊपर की साइड में छुपा हुआ ये सब देख रहा है। एडल यहाँ बहाना बनाती है कि वो मूव कर रही है कहीं और शहर में। पुलिस वाला भी सामान को पैक करके कार में रखने में हेल्प करता है। अंत में वो कन्विंस हो गया कि एडल कोई क्राइम नहीं कर रही है और ना ही वो कहीं भाग रही है। इस तरह पुलिस वाले ने इन दोनों को छोड़ दिया। बाद में एडल और हेनरी मिलकर बैंक जाते हैं अपने सारे पैसे निकालने के लिए। यहाँ बैंक का स्टाफ इन पर शक करता है कि आखिर बात क्या है, एक साथ इतने सारे पैसे निकाल क्यों रहे हैं। एडल कहती है कि वो किसी और शहर जा रही है। अंत में बैंक का स्टाफ इनसे कन्विंस हो गया और उन्होंने इन्हें पैसे दे दिए। इधर हम फ्रैंक को देखते हैं। यहाँ एडल के घर पर उसकी नेबर आई है। वो जब फ्रैंक को देखती है तब तो उसे शक होता है। फ्रैंक यहाँ बहाना बनाता है कि वो तो सिर्फ सामान को पैक कराने में हेल्प कर रहा है। इस तरह नेबर कन्विंस होकर चली गई। एडल और हेनरी जैसे ही यहाँ आते हैं तभी इन्हें पुलिस के आने की आवाज़ सुनाई देती है। अब फ्रैंक समझ चुका है कि पुलिस से उसका बचना नामुमकिन है। अगर वो यहाँ से भाग भी जाता है तब भी हेनरी और एडल पर इल्ज़ाम आएगा कि इन दोनों ने मिलकर फ्रैंक जैसे क्रिमिनल को पनाह दी। फ्रैंक ने इसकी एक तरकीब निकाली है। उसने एडल के साथ साथ हेनरी को भी चेयर से बांध दिया है और फिर जैसे ही पुलिस आती है इनके सामने वो खुद को सरेंडर कर देता है। इससे ऐसा लगा है कि फ्रैंक ने इन दोनों को हॉस्टेज बनाया था। इस तरह फ्रैंक तो अरेस्ट हो गया पर एडल और हेनरी बच गए। फ्रैंक को जेल हुई है। एडल बाद में लॉयर से मिलकर इस मामले में कहती है कि वो फ्रैंक को अच्छे से जानती है। फ्रैंक बिल्कुल नॉर्मल इंसान है। वकील उसे वॉर्न करता है कि एडल को इस मामले में चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बोलेगी तो हो सकता है कि उसका बेटा उसे छीन लिया जाए। इस तरह एडल ने चुप्पी साध ली। अक्सर वो फ्रैंक को खत लिखती रहती है पर फ्रैंक इन लेटर्स को बिना खोले ही वापस कर देता है। वो नहीं चाहता कि एडल को कोई भी परेशानी आए। इस सब में साल दर साल बीतते गए। हेनरी काफ़ी बड़ा हो गया। अब तो उसने पाई की शॉप खोली है। यह बिजनेस अच्छा चल रहा है। उसने शादी भी कर ली है। फ्रैंक जो कि रिहा होने को है वो हेनरी को खत लिखता है। वो कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारी माँ ने शायद किसी और से शादी कर ली होगी, पर मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम कितने बड़े हो गए हो। जेल से छूटने के बाद फ्रैंक हेनरी से मिलने आता है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं। यहाँ हेनरी उसे बताता है कि एडल ने अभी भी शादी नहीं की है। वो अभी भी फ्रैंक से ही प्यार करती है और एक तन्हाई भरी ज़िंदगी उसी घर में जी रही है। फ्रैंक एडल से मिलने जाता है। जब एडल फ्रैंक को देखती है तब काफ़ी इमोशनल होती है। फ्रैंक देखता है कि एडल अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। उसे सहारा देते हुए कहता है कि अब वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस तरह दोनों ने साथ में रहने का फैसला किया है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।